आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबरर्स की, जी हाँ, तो या डेली वेजर्स की बात करें तो ये लगातार अपना संघर्ष लड़ रहे हैं। कई साल हो चुके हैं और हम इन्हें लगातार देख रहे हैं कि अपने संघर्ष की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, परंतु शायद एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं देती है। इतने सालों के संघर्ष के बाद भी ये लोग अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। और आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर जो कैजुअल लेबर फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं तनवीर जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये संघर्ष जो है, जो लगातार ये लड़ रहे हैं, ये कब तक चलता रहेगा और ये अपने इंसाफ के लिए या कह सकते हैं अपने हक की लड़ाई के लिए कब तक ऐसे ही लड़ाई करते रहेंगे। तनवीर जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आज एक मीटिंग हुई, खास मीटिंग, क्योंकि ये मीटिंग जो है कहीं ना कहीं सैलरीज को लेकर थी। आपकी सैलरीज की अगर बात करें तो सैलरीज अक्टूबर से पेंडिंग है और देने की बात जो है दिसंबर से की जा रही थी, तो इस मीटिंग में एक फैसला हुआ। सबसे पहले मैम, मैं आपका थैंक्स करता हूँ अर्थ न्यूज़ का कि आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का आपने मौका दिया। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनियन फ्रंट जो पिछले 2 साल से ही अपने वर्कर्स की आवाज़ जहाँ उठाती आ जा रही है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि एक पीएचई की डिपार्टमेंट की बात करूँ आज सबसे पहले, क्योंकि एक इशू क्रिएट हुआ था काफ़ी टाइम से और काफ़ी लोग परेशान थे। हमारे सैलरी जो एक रिलीज़ हुई थी उसमें कोई ऑफिसर उसको दिसंबर की बना रहे थे, कहीं नवंबर पर बना रहे थे, कहीं अभी बनाई नहीं थी, तो काफ़ी ये पीएचई के वर्कर्स जो हमारे परेशान थे। तो उसके रिलेटेड आज एक मीटिंग हमने फिक्स की थी चीफ इंजीनियर जम्मू के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेट कि वो कहीं एमरजेंसी को जाना पड़ा। और उसके बाद जो चीफ अकाउंट ऑफिसर्स हैं उनसे हमारी मीटिंग हुई, उसके बाद जो यहाँ से एससी हैं हमारे मैकेनिकल के एमपी साहब, उनसे हमारी हुई, रूरल डिवीज़न के, साउथ डिवीज़न के जितने भी एक्सचेंज से उनसे डिस्कशन हुई। और उनको हमने कहा कि सैलरी जो है अक्टूबर महीने की ही बनेगी और जो 6 दिन आपने सितंबर के छोड़े हैं इनको उनकी दी जाएगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आगे उसके बाद जो है चीफ ऑफिस में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लेकिन बहरहाल उनने बात हमारी मानी और मुझे लगता है कि जो सैलरी अब जो है, जो एक इशू था, वो अब अक्टूबर से ही बनेगी, क्योंकि पीछे भी आप देखें कि 65 मंथ की सैलरी जो पेंडिंग है अभी, वो कहीं ना जब बीच में और गैप 3-4 महीने का पड़ जाता तो कहीं ना कहीं हमारे वर्कर्स को काफ़ी ये नुकसान होता। तो इसके लिए आज हमने डिस्कशन की और बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग्स रही, और एससी ने भी और जो चीफ अकाउंट ऑफिसर साहब हैं या बाकी एक्सचेंज हैं सबसे हमारी मीटिंग की। तो ये सैलरी जो है वो अक्टूबर से ही बनाएंगे और फिलहाल हम उनको जो अलग किसी दिसंबर की बनाई हुई है फिलहाल हमने उसको होल्ड कराया पूरे जम्मू प्रोविंस में। जी, ये तो हो गया कि मीटिंग में जो है आपका एक जो निर्णय है वो आपके हक में लेने की बात की जा रही है, परंतु अगर आपकी लड़ाई की बात करें, इतने सालों से एक लड़ाई को आप लोग लड़ रहे हैं, लगातार आपने एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है, सरकारें यहाँ पर बदल गई बट आपकी मांगे जो की तो हैं ना, वो मांगे आपकी पूरी की जा रही हैं, ना ही आपके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनकी बात सुनी जा रही है। देखिए मैम, अनफॉर्चुनेट है कि जम्मू कश्मीर की डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, सीजनल लेबर्स जितने भी जो है लगभग 61,000 के करीब जिनका एक फिगर है, ये पिछले 30 साल से मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट के अंदर जो काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ की इन डिपार्टमेंट की इनको बैकबोन कहा जाता है। बैकबोन इसलिए कि -डिग्री टेम्परेचर के बीच में भी लोग काम करते हैं। उसके अलावा आपने पीछे ही सोशल मीडिया पर देखेंगे हमारे पीडी के कार्यकर्ता, किसी के हाथ कट गई, किसी के बाजू कट गया, और कहीं लोग पावर स्टोर करते करते अपनी जान ने दे दी। कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात की जाती है, कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं है। उसके अलावा बाकी आप टूरिज़्म की बात करें, आप एग्रीकल्चर की बात करें, आप फॉरेस्ट की बात करें, आप सेरिकल्चर की बात करें, जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है वो सारे जो अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं। लेकिन जब भी सैलरीज़ का कोई प्रॉब्लम या पॉलिसीज़ की मैटर पे बात होती है तो कोई भी खुल के सामने नहीं आता था। लेकिन वहाँ पर खुशी ये है कि 1 फरवरी को जब सीतारमैया जी, जो हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं, उन्हें बजट पास किया तो उनने उसमें एक लाइन लिखी 112 जो पैराग्राफ है कि पूरे देश के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने टाइप के वर्कर हैं उनको जो है मिनिमम वेज में लाया जाएगा। अब विडम्बना की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब 370-35 हट गया, उसके बाद जितने भी यहाँ पे कानून लागू थे सारे डिफरेंट हो गए। पहले क्या होता था कि कोई भी कानून अगर दिल्ली पार्लियामेंट से पास होता था तो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा उसको वक्त लगता था, या ये माना कि नहीं होता था, यहाँ पर लागू भी नहीं हो सकता था, वो खाली कागज़ों में चीज़ें रहती थी। लेकिन जब 370-35 हटा और उसके हटने के बाद यहाँ पे जो हालात बने,
हमें ये लगा कि जो मध्यम वर्ग का मुलाजिम कर्मचारी है उसको अब कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक वो चीज़ हमें नहीं मिली। लेकिन इस बजट में जो कहा गया है कि यहाँ पे जो मिनिमम वेज एक्ट है जो लागू किया जाएगा, अब मिनिमम वेज एक्ट के पैरामीटर्स क्या रहेंगे, यहाँ के रेशियो क्या रहेगा, किस हिसाब से यहाँ पे वो दिया जाएगा, अब नोटिफिकेशन कब निकलती है, अभी अभी पिछले दो दिन पहले जो यहाँ सौरभ भगत जो लेबर कमी सेक्रेटरी हैं उनने एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की थी उसके ऊपर, तो अब कहने की बात है कि नोटिफिकेशन कब निकलती है और क्या यहाँ पे उसका रेशू रहता है। तो काफ़ी लंबी एक लड़ाई हमें लड़ी जो कहीं ना कहीं अब ग्राउंड पे नज़र आ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो 61,000 जो कैजुअल लेबर्स हैं इन्होंने अपनी जवानी यहाँ के डिपार्टमेंट को दी है। अब मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र में शीर्ष नेतृत्व जो बैठा है, बड़े बड़े फैसले उन्हें लिए, 370, 35 हुए, ट्रिपल तलाक के ऐसे जैसे हो बड़े बड़े फैसले लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैसला, मैं छोटा फैसला नहीं कहूँगा, लेकिन एक वन टाइम इसकी सेटलमेंट की जाए और एक इसकी जो पॉलिसीज मैटर जो है इसको हमारे लोगों के सामने, अभी पिछले सोशल मीडिया पर भी एक न्यूज़ अभी वायरल हुई थी कि इनको जी ये कब लगे हैं, कितने सालों की पॉलिसी बनाई जाएगी, जब यहाँ भाजपा पीडीपी की सरकार रही आपने देखो कि SRO 521 बनाया गया और जस्ट लाइक वो एक धोखा था यहाँ के कैजुअल लेबर्स के लिए, ना उसमें आपको TADA था, ना उसमें आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस था, ना उसके लिए आप कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी या GP फंड या उसकी सर्विस बुक का कोई भी रिकॉर्ड जो यहाँ पे नहीं था, खाली एक जस्ट लाइक एक फिक्स कैप किया था कि जिसको 10 साल होगी उसको 10,000 सैलरी दी जाएगी, जिसको 15 साल होगी उसको 15,000 सैलरी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ वो धोखा हुआ था, इसलिए हम चाहते हैं कि 520 को पूरी तरह से रिवोक करके अमेंड करके नए तरीके से SRO यहाँ पे लागू किया जाए और जो पेंडिंग सैलरी हमारी 60-65 मंथ की है वो दी जाए, और ख़ास करके हमारे कुछ कई डिपार्टमेंट जैसे PHE डिपार्टमेंट में 12 वोचर का रैडर लगाया हुआ है, अननेसेसरी रैडर लगा के 1.5 साल से आज लोग परेशान है, लैंड जिन्हें ज़मीनें दी है ज़मीनें भी दे दी बंदा भी, और मैं आपको मैम कहूँ कि 3-3 नस्लें जो हमारी तबाह हो चुकी है इस डिपार्टमेंट में, एक तो हमारे माँ बाप और एक हम खुद और हमारे बच्चे, तीन मतलब नस्लों का इसका जो फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। इसलिए अब चाहते हैं कि सरकार अब वन टाइम इसका सेटलमेंट करे, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हमारी कमिटमेंट हुई थी कि वन टाइम सेटलमेंट करके हमारे लोगों को जो है इंसाफ किया जाए। अब हम नहीं चाहते कि हम रोडों पे आए, अब हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे और ज़्यादा जो माहौल ख़राब हो, सरकार जल्द जल्द पर फैसला ले। बिल्कुल तनवीर जी, आपने जैसे बात की है कि जब BJP सरकार की बात की तो सेंटर में BJP की सरकार है, जम्मू कश्मीर में बेशक नहीं, सरकार नहीं है, पर एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल जो है BJP के हाथ में। फिर भी हमने कई बार देखा है कि कई लोग जो हैं BJP ऑफिस या BJP कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हैं मांगों को लेकर, पर वहाँ के नेता जो हैं उनकी मांगों को लेकर बाहर तो अभी तक नहीं आए। कमिटमेंट्स आपके साथ भी बहुत ज़्यादा की हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जिक्र आपने किया, वो MOS हैं, सेंटर में बैठे हुए, पर वो भी जो आवाज़ जम्मू कश्मीर की उठाने की ज़रूरत है वो उठाते हुए नज़र नहीं आते। देखिए मैम, आपने जो प्रोटेस्ट की बात की, प्रोटेस्ट जो ये हमारा राइट्स है और प्रोटेस्ट करना जो है ये संविधान ने हमें राइट दिया है, कहीं ऑफिस के सामने कोई करे, कोई प्रेस क्लब में करे, कोई किसी अथॉरिटी के सामने करे, वो हमें संविधान ने राइट दिया है। लेकिन अभी अभी एक नोटिफिकेशन निकली है, कोई 2-3 हफ्ते पहले की बात है, उसमें ये कहा गया है जितने भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस हैं वो अपना अपना नाम रजिस्टर्ड कराए हैं यहाँ पे, उनके साथ कितने लोग हैं, वो कितनी अर्नर्स को लीड कर रहे हैं, उनकी अकाउंट्स पे नज़र रखी जाएगी। देखिए मैम, हमने कोई यहाँ पे धंधा नहीं खोला, मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि सरकार इस हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार को ये मालूम नहीं कि 61,000 जो डिलीवियर्स है और इनके साथ 61,000 का मसला होता तो शायद हम छोड़ भी देते, लेकिन 61,000 के साथ हमारे साथ 5 लाख फैमिलीज़ हैं, 5 लाख फैमिलीज, और 5 लाख फैमिलीज़ का जो कैडर है वो दाव पे लगा हुआ है इस टाइम। तो सरकार हमें इन चीज़ों से डराने की कोशिश ना करे, सरकार ने जो कमिटमेंट की है वो हमसे पूरी करे। जहाँ तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की आपने बात की, पिछले सितंबर में हमारी एक पूरी डेलीगेशन जो 5 रुकनी डेलीगेशन जो जम्मू कश्मीर से उनके आवास पर मिलने गया था और कमिटमेंट हमारे साथ हुई कि आपको पहले फेस में जो मिनिमम वेज एक्ट दिया जाएगा और उसके बाद रेगुलाइजेशन के ऊपर जो है फेस मंजर में आपसे बात की जाए, तो हमें पूरा यकीन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऊपर है जो हमने उन्हें हमारे साथ जो कमिटमेंट की है। बहरहाल ये मसला काफ़ी पुराना है, 20-25-30 साल काफ़ी सरकारें, हम अगर ये भी कहें कि BJP ऊपर सारा बर्डन डालते हैं वो भी बात नहीं है, लेकिन पहले भी सरकारें यहाँ पे रही उनका भी कुछ दायित्व बनता था, अगर पहले से ही इस पे फैसले हुए होते, अगर पहले से ही समय समय से इन लोगों को एजवार डिपार्टमेंट में किया जाता, आज हमें ये वक्त जो है ये नंबर जो आपको 61,000 का जो है या इससे भी ज़्यादा जो डिपार्टमेंट जो लोग बोल रहे हैं वो नंबर नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये बड़ा फैसला है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े फैसले लेने में माना जाती है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा फैसला लेके यहाँ के 61,000 मुलाजमीन को जो है वो
उनको एक रिलीफ प्रदान करेगी। तो अगर ऐसा नहीं होता है फिर सिवाय प्रोटेस्ट के या कोई बड़ी कॉल, जैसे हमारा आगे प्रोग्राम जो आ रहा है, अगर सरकार नहीं करती, अगर दिल्ली के लिए रुख करना पड़ेगा तो हम वहाँ पे दिल्ली जाने के लिए अपनी टीम के साथ तैयार हैं। बिल्कुल, आखिर में बस मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे आप 61,000 परिवारों की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वो एम्प्लॉयज़ ही नहीं, उनके साथ परिवार हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, हर कोई जुड़ा हुआ है, वो भी जो है परेशान हैं और यही कह रहे हैं कि बस जो जल्द से जल्द जो कि कैजुअल लेबर्स का मुद्दा है वो सॉल्व होना चाहिए। तो जिस तरीके से आपने कहा कि अगर आपको दिल्ली जाने की भी नौबत आ जाए तो क्या लगता है कि वो नौबत आएगी या उससे पहले ही जो आपका ये संघर्ष है उसे विराम लगेगा? देखिए मैम, जिस तरीके से ये हमने संघर्ष किया है, ये ज़मीन लेवल से उठ के हमने लोगों के साथ संघर्ष किया है, और आपने खुद देखा होगा कि आज से 2-3 साल पहले आपने बहुत कवरेज हमारे प्रोग्राम से किए, जब अब अलग अलग चैनल्स में भी आपने काम किया, तो आपने देखा होगा किस तरीके से संघर्ष को हमने लड़ा। हमने कभी भी नहीं समझा कि ये संघर्ष किसी लोगों का है, ये संघर्ष हमारे परिवारों का था, हमारे बच्चों का था, उस चीज़ को लेकर संघर्ष को हमने लड़ा। लेकिन इस संघर्ष में कई साथी ऐसे हैं जिनने अपनी जान भी गंवाई है ड्यूटी के दौरान, उसके अलावा कई ऐसे साथी हैं जिनका बाजू कट गया है, और कई ऐसे साथी हैं जो 60 साल की आयु को, जो एक आयु होती है सरकारी विभाग में काम करने की, उसको भी पार कर चुके हैं, और साथ ही साथ उसके अलावा वो बहुत मतलब ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने सब कुछ अपना ख़त्म कर इस डिपार्टमेंट में ख़त्म कर चुके हैं। उन लोगों के लिए भी अलग से पॉलिसी बननी चाहिए, उनके लिए भी अलग से जो रिलीफ है वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन अब सरकार से हम यही चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे का वन टाइम सेटलमेंट करें। अब हम नहीं चाहते हैं कि हम सड़कों पर आएँ, अब हम नहीं चाहते हैं कि हम फिर से अपने परिवार समेत रोडों पर आएँ, अब वक्त आ गया है। और ये कोई नई डिमांड नहीं हमारे हैं, ये डिमांड जो है प्रिंसिपली एग्री की हुई डिमांड जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की है। और अब भाजपा का अगर 2014 का अगर मैनिफेस्टो देखें, उस PDP का या भाजपा का, उसमें भी था, और उसके बाद जब DDC के इलेक्शन हुए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने कवर की होगी, उससे भी डेलीजर्स का जो स्पोक्स पर्सन थे उन्हें कहा कि हमने भी डेलीजर्स का मुद्दा जो इसमें रखा है, तो प्रिंसिपली एग्री डिमांड्स पार्टी की भी गवर्नमेंट की तरफ से भी है। अब मुझे चाहिए कि इसके ऊपर अब डिसीजन सरकार ले, और वक्त अब डिसीजन लेने का आया है। कम से कम हम नहीं कहते हैं कि 61,000 को आप वन टाइम सेटल कीजिए, लेकिन एक पॉलिसी मैटर तैयार कीजिए जिसमें सपोज करें 2021 में आप 10,000 लोगों को उठाते हैं, 22 में 10 को, ऐसे ऐसे करके 2025-26 तक लगभग आपके 30-40,000 लोगों का जो है ऑब्जर्वेशन हो जाती है, एक पॉलिसी मैटर। लेकिन अगर सरकार ये बातें करके हवा में मीडिया में ये फैला के कि जी ये हो रहा है वो हम कर रहे हैं, उससे तोड़ने की सपोर्टाइज करने की मूवमेंट को कोशिश की जाएगी, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल अपने वर्कर्स को मैं आपके चैनल के जरिए से अपील करूँगा कि वीडियो को शेयर ज़्यादा करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये मैसेज पहुँच जाए। यही बताना चाहते हैं कि जब तक हमारे सांस में सांस हम लड़ाई लड़ेंगे, और इस लड़ाई को जिस तरीके से लड़ना होगा, यहाँ की सड़कों पर लड़ना होगा, यहाँ लड़ेंगे, जरूरत पड़ी दिल्ली की जंतर मंतर पे, लाल गले पे जाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर यहाँ के सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम ने मैम मजबूर कर दिया, इस लड़ाई को और असेंबली में लड़ना होगा, उस लड़ाई को लड़ने के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ तनवीर जी। तो साफ तौर पर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेता दिया है कि अगर इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाता है तो ये लोग अपना संघर्ष इसी तरीके से जारी रखेंगे। अब देखना ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन इनकी मांग सुनती है या नहीं। तो बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।